जय साथियों, आज हम बात करेंगे कि जो ई लर्निंग विद दुर्गेश के लेखपाल के नोट है, नोट्स वो कैसे होते हैं और वो आपके जब घर तक पहुंचते हैं तो इसी तरह कुछ पैकेट में पहुंचते हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है आज मैं स्वयं इसका रिव्यू करके देखूंगा आखिर ई लर्निंग विद दुर्गेश नोट्स बेहतर क्यों होते हैं, लोग ऐसा क्यों कहते हैं। चलिए, और मैं जो मेरे पास समय बचा रहता मैं ये प्रयास करता हूँ कि कुछ आपके लिए बेहतर करे। तो आज हम ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स को एक तरह से अनबॉक्सिंग करते हैं, तो इसको हम खोल के एक बार देखते हैं कि इस नोट्स में क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से विषय हैं, आपकी सफलता के लिए कितना बेहतर हो सकता है। क्योंकि किताबें हम सभी पढ़ते हैं और बहुत सारी किताबें होती है मार्केट में, आपने पढ़ी भी होती, प्रैक्टिस सेट भी हल किया होगा, लेकिन कभी कभी जब परीक्षा समय नज़दीक होता है तो हम ये सोचते हैं कि कोई शॉर्ट मैटर मिल जाता है जहाँ से हम पढ़ सके, रिवीजन कर सके, उसके लिए नोट्स आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। तो इस तरह से आप मैं इसे फाड़ के देख रहा हूँ, यहाँ से आपके नोट्स इस तरह से कुछ मिल रहे हैं, आपके घर पे भी कुछ पहुंचेंगे इतना नोट्स। हाँ, मेरे पास जो समय मिल जाता है मैं उसमें, चलिए ये है आपके नोट्स, में पॉलिथीन में धर कर देता हूँ और एक एक करके इस नोट्स के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है प्राचीन इतिहास। अगर हम बात करें सामान्य अध्ययन जीएस की बात करें तो जीएस में एक इतिहास का सेक्शन होता है जिसमें पहला जो सीरीज होता है वो प्राचीन इतिहास का होता है। इतिहास ये हैंडरिटन नोट्स हैं और इसमें कोशिश ये किया गया है कि जो परीक्षा में सवाल है वो है, खासकर उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा पहले यूपी टेड सी एग्जाम कराती थी और हम इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे तथ्य, ऐसे कंटेंट दिए जाएँ जहाँ से परीक्षा में सीधे से सवाल पूछे जाए। तो हर जगह उन चीज़ों को ख्याल किया गया जहाँ पे थियरी है, जहाँ पे वन लाइनर है, माने हर देखिए जगह जगह एग्जाम पॉइंट को भी रखा गया है ताकि यहाँ से सवाल आपकी परीक्षा में जरूर से पूछे जाए। ठीक है, चलते हैं। ये हो गया आपके सामने एक प्राचीन इतिहास। उसके बाद अगला है मध्यकालीन इतिहास। ये इस तरह से होगा, इसको फोल्ड करते हैं किताब की तरह, जैसे किताब होता है, ताकि पेज के हिसाब से पेज दर पेज खुलता चले। और यह है हमारा, अगर हम देखें तो मध्यकालीन भारत का इतिहास है और ये एनसीआरटी का पूरा निचोड़ है, पूरा यहाँ पे जनजातियों के बारे में दिया गया है। ठीक है, हम और आगे देखते हैं तो ये हमारा हो गया हिस्ट्री पूरा। और हम बात करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके अंतर्गत हम बात करें दो चीज़ें होती हैं। ये आधुनिक भारत के इतिहास में शुरुआत में ही ये यूरोपीय शक्तियों का जो आगमन है, कैसे कैसे उनका आगमन हुआ है, इसके बारे में पूरा जिक्र किया गया है। ठीक, और फिर हम आगे देखते हैं तो हम कुछ प्रमुख आंदोलन हैं, यहाँ से परीक्षा में आपके सवाल आते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि इसको भी आप अच्छे से देख ले, पढ़ ले और इसकी भी आप तैयारी कर ले। देखिए कुछ इसके बाद जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं, इसमें एक एक करके पहलुओं को दिया गया है जहाँ से सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। गांधी जी से आपने देखा होगा प्रायः सवाल पूछे जाते हैं। तो ये पूरा हो गया, हैंडरिटन भी है और आपको टाइपिंग वाला दोनों मिल जाएगा और आप चाहे तो टाइपिंग वाला भी प्राप्त कर सकते हैं। वो आपके जब घर पहुँचेगा तो आप वहाँ पे देख लेंगे टाइपिंग। जैसे यहाँ पे ढेर सारे जो जनरल गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में भी दिया गया, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आपके परीक्षा में आते हैं। ठीक है, अब हम और आगे बात करते हैं। हम देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसे हम भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी के नाम से जानते हैं। देखिए ये काफ़ी बड़ा सीरीज था और ये अपडेटेड सीरीज है क्योंकि इसे भी हाल ही में आपके, तो जो भारतीय संविधान है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, इसको ये हमने प्रयास किया है कि ये टाइपिंग है क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो पढ़ने में असुविधा ना हो, कि अनुच्छेद है इसमें पूरे महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले संविधान के भाग, अध्याय, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक परिचय क्या रहा है, एक एक करके क्रमवार रूप से है। और ये पूरी विधिवत नोट्स है जो आपके परीक्षा में आपके लेखपाल के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की जो निर्माण प्रक्रिया थी, उसके साथ साथ भारतीय संविधान सभा क्या था। ठीक, एक एक करके पूरी भारतीय संविधान है इसमें और ये कोशिश किया गया हर उस तथ्य को रखने का जहां सबके भर्ती परीक्षा में सवाल आते हैं। काफी बड़ा नोट्स है, कह सकते हैं कि पेजेस में ज़्यादा हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि भारतीय संविधान से आजकल खूब झोला भर भर के सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी भारतीय संविधान है, यूँ कह सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था है और इसके 395 अनुच्छेद भी हैं और जो प्रमुख संशोधन है और जो की पॉइंट देखें लास्ट में आपने पूरे जो प्रमुख अनुच्छेद हैं जहाँ से आपके परीक्षा में ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं उनको भी एक तरफ एक जगह करके रखे गए हैं ताकि यहाँ पे सवाल अगर आए तो आपके सवाल यहाँ से गलत ना होने पाए। यह था भारतीय राज्य व्यवस्था का नोट्स और यह आप लोगों को मिला होगा जब आप लेखपाल के नोट्स आपने प्राप्त किया होगा। फिर बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। जी हम अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के में पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे ये प्रयास किया गया कि आगे कम समय में आपकी बेहतर तैयारी कैसे हो पाए, उसके लिए कि पूज्यादि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के क्या क्या गुण होते हैं। तो यहाँ पे इसके शॉर्ट में यहाँ पे आपके लिए एक बेहतर नोट्स आपको मिल जाता है। अब हम ये टाइपिंग में भी है, और अगर आप नोट्स लिए होंगे तो आपको टेलीग्राम पर इसकी प्रिंटेड नोट्स भी मिल गई होगी जो टाइप करा के आपके लिए रखी गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या है, जीडीपी क्या है, जेएनपी क्या है, इनके बारे में एक चक्कर आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये नोट्स, अब विश्व भूगोल की बात करें, वर्ल्ड भूगोल जो है ये एनसीआरटी से, और इसके बहुत सारी थ्योरी हमने विविध में भी देखे पढ़े हैं, वहाँ भी मुझे बेहतर लगे हैं। तो ये विश्व भूगोल के हैं, जैसे यहाँ पे मेरे सामने जो इसमें खुला है ज्वालामुखी खुला हुआ है, नदी उसके कार्य है, तो ये पूरा एनसीआरटी सीरीज है और एनसीआरटी को खासकर इसमें ध्यान रख के बनाया गया है। ये पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी है और शॉर्ट में है, हैंड रिटन है, बेहतर नोट्स है जहाँ तक मुझे भी लगता है, और कृषि के बारे में भी दिया गया है यहाँ पे। और अच्छा, आप E-Learning With Durgesh के शिक्षक भर्ती परीक्षा यूपी टेड सी टेड सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे। एनसीआरटी की सीरीज जी आपकी बार एक सीट हमार। हाँ, बाकी आप चाहे तो आपकी मर्जी किताब से पढ़ें, बस मेरे सामने था तो मैंने आप बता दी कि ये भारत का भूगोल है, और ये काफ़ी, क्योंकि आपने देखा होगा भूगोल में आजकल भारत का भूगोल से जो सवाल है वो झोला भर भर के पूछे जाते हैं। जैसे हमारे सामने समय खुला है प्रायद्वीपीय प्रदेश है, और यहाँ पे देखिए डायग्राम का पूरा पूरा प्रयोग किया गया है, यहाँ पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, मतलब पूरी तरह से इसमें डायग्राम का प्रयोग किया गया। यहाँ पे देखिए जैसे लक्षद्वीप है, उत्तरी अंडमान है। यहाँ पे हमने देखा कि पूरी तरह से जो है भूगोल में ये पूरी जो नोट्स है उसका पूरा पूरा यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए हम और आगे चलते हैं। अगर आप चाहें जैसे कोयला है, मिट्टी संसाधन है, इन सभी को इस नोट्स में रखा गया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण। जैसे लास्ट में देखें ये कोयला है, पीट है, लिग्नाइट, बिटुमिनियस, एंथ्रासाइट। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आते हैं, और भारत में सर्वाधिक बिटुमिनियस है और सबसे उच्च बच्चे क्वालिटी कोयला एंथ्रासाइट होता है। चलिए आगे चलते हैं क्योंकि आपको सभी देखना है। अब देखिए एक जनगणना है, और जनगणना से आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं। और जब हम बात करते हैं लेखपाल की तो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, जहाँ पे जनगणना से जुड़े हुए सभी कीवर्ड तथ्य हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी इसे आप मैपिंग के आधार पर दिया गया है ताकि आपको पढ़ने में, याद करने में आसानी हो सके। फिर हम देखते हैं एक है संपूर्ण समानीकरण उत्तर प्रदेश स्पेशल, ये हैंडरिटन में भी है, और आपके पास इस तरह की सीरीज है जो PDF फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएगी। आज ही आप E-Learning With Durgesh का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, वहाँ से भी आपको मिल जाएंगी, और प्रैक्टिस सेट भी E-Learning With Durgesh के ऐप पर आपको उपलब्ध हो जाएंगी। ये यूपी स्पेशल है और खासकर बनाया गया है क्योंकि आपने देखा होगा लेखपाल में, ये लेखपाल में भी आता है, GS में भी। दूसरा जो ग्रामीण विकास है उसमें भी उत्तर प्रदेश स्पेशल का महत्वपूर्ण रोल होता है। यहाँ से भी सवाल आपके यूपी स्पेशल के सवाल आपके ग्रामीण परिवेश का जो सेक्शन है 25 नंबर का लेखपाल में, वहाँ से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। ये भी हो गया, एक है विविध तथ्य, ये GS के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखिए घर बैठे हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ सुपर टेड, यूपी टेड सी टेड, लेखपाल, पेट, पुलिस, यूपीएसएससी, एमपी टेड, DSSB, रीड, KBS, तो TGT, PGT, LT इन सभी के नोट्स मिल जाएंगे, घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बाकी आपकी मर्जी। हाँ, टेलीग्राम पे आप दुर्गेश पर सर्च करके E-Learning With Durgesh पर जुड़ जाइएगा, मैं भी निःशुल्क पढ़ाता हूँ। देखिए दिवस से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो प्रमुख दिवस है यहाँ पे। ठीक, तो चलिए आप सभी का बहुत आभार। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने सभी साथी मित्रों जो आपके साथ लेखपाल की तैयारी करते, कि मुझे लग रहा है 3 विज्ञान है एक एक करके। मेरे सामने पहला ये भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स का है, और इसमें हम लोगों ने देखा कि जैसे फिजिक्स में जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहाँ से सवाल परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन टॉपिक को यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, और वन लाइनर भी हमको जल्दी उपलब्ध करा देंगे, और वो आपको E-Learning With Durgesh के ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, ये है हमारा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, तो यहाँ भी इसको भी देख लेते हैं। यहाँ से भी जो कोशिश ये किया गया है कि सवाल जो परीक्षा में इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से जरूर आए। ठीक है, हाँ, तमाम तरह से प्रयास किया गया है। ये हो गया आपका। फिर हो गया आपका जीव विज्ञान है, बायो का सेक्शन है, इसको हम फोल्ड कर देते हैं, सब एनसीईआरटी सीरीज है। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम का भी पूरा पूरा प्रयोग किया गया, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है डायग्राम का वहाँ पे डायग्राम को रखा गया है। और मुझे भी लग रहा है आसानी से आप इसे पढ़ भी सकते हैं। कुछ लोग को छोटा भी लगेगा क्योंकि एक पे ये प्रिंटिंग जो है थोड़ी छोटी लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अच्छा खासा इसे पढ़ पा रहा हूँ। और हाँ, ये आपकी एक मदद के लिए है। देखिए ग्रामीण परिवेश उसे अपने आप में बहुत ब्रॉड है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का सिलेबस इसके साथ जुड़ जाता है। ग्रामीण परिवेश में इकोनॉमिक्स हो जाता है, यूपी स्पेशल हो जाता है, साथ ही साथ ये है आपके लिए ग्रामीण परिवेश, तो पशुपालन है, और इसके अंतर्गत फसलें भी है, मतलब फसलें भी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा भी था और इसके लिए पढ़ने के लिए भी मिला था। और जैसे सामाजिक एवं जो ग्रामीण परिवेश है आपका, उसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं, कहाँ का आप उनका उत्पादन खासकर यूपी में जहाँ बात करते हैं तब होता है। ठीक है, ये क्या है, ग्राम पंचायत क्या होती है, तहसील, उपखंड, जिला, खसरा खतौनी क्या होता है, ठीक है, जमाबंदी, लगान, इन सब के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार लोग पूछा जाता है सर कि ग्रामीण परिवेश का नोट्स कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो एक ही जगह आपको ये पूरा मिल जाएगा। तो आप चाहें तो E-Learning With Durgesh के नोट्स रख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। ये सामान्य हिंदी है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हिंदी से आप लोग परिचित होंगे और इसके लिए बहुत सारी किताबें अलग अलग आती हैं और यहाँ पे पूरा प्रयास किया गया है कि हिंदी, क्योंकि यह सब चीज़ें एक बार क्या है, पढ़ने के बाद आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। देखिए गणित है, गणित वैसे क्या करिएगा, यह तो उपलब्ध तो हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको सबसे बड़ा काम ये करना है, आप मार्केट से कोई किताब लीजिए प्रैक्टिस के लिए जो लेखपाल की पूरी तरह से पाठ्यक्रम और सिलेबस पर दिया गया हो, क्योंकि सिलेबस के आधार पर एक बार अगर तैयारी कर लेंगे तो आपको बेहतर होगा। उसके साथ एक तर्कशक्ति है, रीजनिंग कॉन्सेप्ट है तो नहीं, लेकिन कभी कभी यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप अपने अध्ययन अध्यापन के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इसका हिस्सा है वो आपको गणित, मतलब हम देखें तो हमें इतने नोट्स आपको मिल गए हैं, ये है आपके लेख, मतलब ये इतने सारे जो नोट्स हैं ये आपके लेखपाल बनाने में काफ़ी मददगार हो सकते हैं। मुझे नहीं पता इतना पढ़कर आप लेखपाल बनेंगे नहीं, लेकिन हाँ इस बात का भरोसा है कि एक कम समय में आपकी बेहतर तैयारी करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। मैंने भी देखा, मुझे नोट्स बेहतर लगे और आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि E-Learning With Durgesh के नोट्स आपको कैसे लगे हैं, आपने पढ़े हैं तो क्या फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैंने अपना फीडबैक दिया क्योंकि मुझे जो लगा, मैंने भी E-Learning With Durgesh से खुद एक नोट्स मांगा और मांगकर मैंने देखने का प्रयास किया इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे घर तक पहुँचता है। बाकी आपको नंबर स्क्रॉल में मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। ये जौनपुर जनपद के सिराजे इनसे, मैं भी जौनपुर से हूँ और मैंने भी रिव्यू दिया। और आपके पास जब नोट्स जाए तो आप भी इस तरह से खोलिएगा और उसे देखिएगा, जो उसको आपको बेहतर लगे आप E-Learning With Durgesh को अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जैसा कि मैंने भी दिया और आप भी देंगे। बाकी मेरी क्लास जब भी मेरे पास समय बचता है निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में मैं लेकर आता हूँ और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ आपके लिए बेहतर करें। E-Learning With Durgesh फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब E-Learning With Durgesh है। और हाँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे सभी क्लास की लिंक और पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट E-Learning With Durgesh के ऐप पर भी है जो प्ले स्टोर पर है। अच्छी बात मैं कहना चाहूंगा कि आपको पढ़ना, आपको सिलेक्शन आपको लेना है, मेहनत आपको करना है, तो जरूरी नहीं कि आप ये नोट्स ले तभी आपकी पढ़ाई हो। मार्केट से किताबें भी ले सकते हैं, एनसीआरटी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी बेस मजबूत है तो आपको काफी फायदा हो। उसके लिए आप सबसे प्रयास करिए कि प्रैक्टिस सेट पर ज्यादा फोकस करिए। थियरी पढ़ने के बाद एक बार थियरी पढ़ लीजिए, फिर प्रैक्टिस सेट पढ़ना शुरू करिएगा, क्योंकि कितना अंक पहुंच रहे हैं, क्या आपका वीक जोन है, क्या स्ट्रॉन्ग जोन है, हमें प्रैक्टिस सेट से ही पता चलता है। तो कोशिश करिएगा कि अच्छी किताबें पढ़िएगा, अच्छे नोट्स पढ़िएगा, प्रैक्टिस सेट हल करिएगा, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर करिए।